गणेश वर्मा जिंदाबाद। यहाँ पर कुछ भी अभी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरे अपने पूरी शक्ति बुद्धि क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो, और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जो भी कदम उठा रहा है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया, जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी सुप्रीम कि कौन अच्छा है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसका इससे उन्होंने जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने भी उस वक्त कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे जहाँ जहाँ भी पार्टी को मजबूत करने का काम है उसको जोर से मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। सर रुपौली में रुपौली में हार हुई है, दिल्ली में जो हार हुई है, रुपौली उपचुनाव में रुपौली में निर्दलीय कैंडिडेट वहां से जीत गए। देखिए चुनाव में हार जीत होते रहती है, हम लोग ने कोशिश की थी, और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूंगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है श्री शंकर जीत सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है, और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, कहां पे क्या हुआ है। ये लोकल इश्यू के कारण मुझे लगता है ये सारा चीज हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में रुपौली में हम लोग ने काफी रुपौली विधानसभा से हम लोग ने बड़े मत के अंदर से इंडिया गठबंधन को वहां पे जीता था वहां से, लेकिन अभी इस चुनाव में जो ये अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं वो मुझे लगता है कि लोकल स्थिति के कारण, लोकल कैंडिडेट के कारण, ये सब कारणों के कारण हुआ है। इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है लगातार उठ रही है सर, कैसे देखते हैं सर? ये विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये, क्योंकि बिहार के साथ जो अन्याय हुआ हिस्टोरिकली, बिहार के लोगों के साथ जो बिहार के लिए जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी कंट्री में लागू की गई थी जिसमें सस्ता माल जो है पूरे देश में अवेलेबल कराया गया था, तो बिहार को जो लाभ मिलना चाहिए इंडस्ट्री के लगने में वो लाभ इस बिहार को नहीं मिला, और इसके कारण बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया। तो इस कारण से जो हुआ हमें उसकी भरपाई तो होनी चाहिए, और हम बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पर हम अभी पीछे हैं, हम चाहते हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से अधिक ग्रोथ रेट है, लेकिन बेस इतना कम है कि डिफरेंस जो है हमको पाटने में समय लगेगा, लेकिन यदि भी शेष राज का दर्जा मिलता है तो हम तेजी से ग्रो करके हम आगे बढ़ेंगे, और बिहार और राष्ट्र के साथ कदम मिला मिला करके आगे बढ़ेगा, सबके साथ
हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे दल ने और हमारे दल के नेता ने इस मांग को पहली बार उठाया और एक बड़ी मुहिम की दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके पूरे हमारे दल ने पूरा इसके लिए मुहिम चलाया। और जब भी कोई मौका हो, केंद्र में कोई भी सरकार है उसके सामने ये रखा गया था, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन हमारे पार्टी के ये मांग है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास किया गया था, इस पर मुहर लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हम सबों के हित की बात है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर कुछ भी अभी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरे अपने पूरी शक्ति बुद्धि क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो जो भी कदम उठा रहा है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया, जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी सकती कि कौन अच्छा है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसका इससे उन्होंने जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने भी उस पर कहा
कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे जहां जहां भी पार्टी को मजबूत करने का काम है उसको जोर से मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। सर रुपौली में रुपौली में हार हुई है, दिल्ली में जो हार हुई है रुपौली उपचुनाव में, रुपौली में निर्दलीय कैंडिडेट वहां से जीत गए सर। देखिए चुनाव में हार जीत होते रहती है, हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूंगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है श्री शंकरजीत सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, कहां पे क्या हुआ है। ये लोकल इश्यू के कारण मुझे लगता है ये सारा चीज हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में रुपौली में हम लोग ने काफी रुपौली विधानसभा से हम लोग ने बड़े मत के अंदर से इंडिया गठबंधन को वहां पे जीता था वहां से। लेकिन अभी इस चुनाव में जो ये अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं वो मुझे लगता है कि लोकल स्थिति के कारण, लोकल कैंडिडेट के कारण, ये सब कारणों के कारण हुआ है। इसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा में जो परिणाम आएंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है लगातार उठ रही है सर, कैसे देखते हैं सर? ये विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये, क्योंकि बिहार के साथ जो अन्याय हुआ हिस्टोरिकली, बिहार के लोगों के साथ जो बिहार के लिए जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी कंट्री में लागू की गई थी जिसमें सस्ता माल जो है पूरे देश में अवेलेबल कराया गया था, तो बिहार को जो लाभ मिलना चाहिए इंडस्ट्री के लगने में वो लाभ इस बिहार को नहीं मिला और इसके कारण बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया। तो इस कारण से जो हुआ हमें उसकी भरपाई तो होनी चाहिए और हम बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पे हम अभी पीछे हैं, हम चाहते हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से अधिक ग्रोथ रेट है, लेकिन बेस इतना कम है कि डिफरेंस जो है हमको पाटने में समय लगेगा। लेकिन यदि भी तेज राज का दर्जा मिलता है तो हम तेजी से ग्रो करके हम आगे बढ़ेंगे और बिहार और राष्ट्र के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ेगा सबके साथ, हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे दल ने और हमारे दल के नेता ने इस मांग को पहली बार उठाया और एक बड़ी मुहिम की दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके पूरे हमारे दल ने पूरा इसके लिए मुहिम चलाया। और जब भी कोई मौका हो केंद्र में कोई भी सरकार है उसके सामने ये रखा गया था, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन हमारे पार्टी के ये मांग है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास किया गया था, इस पे मुहर लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हम सबों के हित की बात है। ठीक है, धन्यवाद।